आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल में हुआ दखल प्राइड अवार्ड समारोह, कई विभूतियों का हुआ सम्मान। वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने वितरित किए दखल प्राइड अवार्ड, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा थे मुख्य अतिथि। जो बना मिसाल, जिसने किया लीक से हटकर कार्य, वो बना दखल प्राइड अवार्ड का हकदार। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य के बीच तल्खी बरकरार, सिंधिया बोले जनता के लिए लड़ना मेरा धर्म। और रीवा में गैस सिलेंडर में विस्फोट, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। दखल न्यूज ने अलग अलग विधाओं के महारथियों को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया। भोपाल में आयोजित इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर और मुख्य अतिथि के रूप में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। इस समारोह में समाज के कुछ अलग अलग करने वाली विभूतियों को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। भोपाल के राज्य संग्रहालय सभागार में समाज को नई दिशा देने वाले महारथियों को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। ये वो लोग हैं जो चले तो अकेले थे, लेकिन अपने हुनर से कारवां बनाते गए। हर विधा, हर क्षेत्र के लोगों ने दखल के मंच को साझा किया। समारोह में जहां गंभीर बातें हुई, वहीं जमकर ठहाके भी लगे। शेर व शायरी हुई तो गीत भी गुनगुनाए गए। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर और मुख्य अतिथि के रूप में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। समारोह में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को शामिल होना था, लेकिन वे अपनी माताजी सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के निधन के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। लोगों से खचाखच भरे सभागार में सबसे पहले राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मौन रखा गया। उसके बाद समारोह में अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर समारोह को विधिवत आरंभ किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर का दखल परिवार के अमिताभ उपाध्याय, दिनेश गर्ग और शेफाली गुप्ता ने पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। उसके बाद अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए समारोह में निर्धन दिव्यांग बुजुर्ग को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन की ओर से ट्राइसिकल प्रदान की गई। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन लगातार दखल न्यूज के साथ इस तरह के सेवा कार्य करता रहता है। समारोह के इस द्वितीय चरण में दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय ने मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर से बेबाक बात की और उनके नजरिए को समझा। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं बेबाक बात। मेरे साथ मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी हैं। सर, आप दोस्ती बरकरार रखिए, विज्ञापन नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सरकार अच्छा काम करे पूरे मीडिया की। मुझे नहीं लगता कि मीडिया कभी कोई विरोध करता है। आप जिसको व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था में जो अव्यवस्था बन जाती है उसके खिलाफ हम लोग खबरें करते हैं, उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं कि आप उसे दुरुस्त कर लें, ठीक कर लें। और जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश अच्छा बने, बेहतर हो, पहले से अच्छे परिणाम सामने आएँ, लोगों के पास रोज़गार हो, सारी चीज़ें हों, देश में भी हों, मध्य प्रदेश में भी हों। तो इसलिए हम कभी कभी खबरें कर देते हैं। हमारा जो मिजाज है वो ब्लेड जैसा होता है कि जब आप सीधा चलाते हैं तो बाल कटता है, थोड़ा टेढ़ा वाढ़ा करते हैं तो फिर गाल भी कट जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो देखिए, अखबार कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, सच्चाई सामने आती है तो इसको कभी किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जैसा आपने कहा वही बात मैं कह रहा हूँ कि हर किसी का सपना जो इस मतलब प्रदेश की मातृभूमि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, हर कोई चाहता है कि हमारा मध्य प्रदेश ऐसा बने जो कल लोग ये कहें कि मध्य प्रदेश का मॉडल दूसरे राज्य जो है उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दखल न्यूज के मेगा शो दखल प्राइड अवार्ड समारोह में राजनीतिक, मीडिया, कला जगत, चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े लोग शामिल रहे। इन विभूतियों ने मंच से अपनी बात सबके सामने रखी। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और विशेष अतिथि प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह थे।
भोपाल के श्यामला हिल्स पर राज्य संग्रहालय सभागार में लीक से हटकर कुछ करने वाले लोगों को सम्मान के लिए चुना गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं से नई इबारत लिख दी है। इन लोगों ने खुद तो नए सोपान तय किए ही साथ ही समाज में बदलाव की पृष्ठभूमि भी तैयार की। समाज को नई दिशा देने वाले इन महारथियों को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में बात बात में शीरो शायरी हुई तो कविताओं ने मंच पर चार चांद बिखेर दिए। विशेष अतिथि प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर भी प्रतिभाओं की काबिलियत देखकर दंग थे। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है और मैं अपनी तरफ से दखल न्यूज को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मध्य प्रदेश की छुपी हुई प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्र की जो जिनके बारे में भोपाल के लोगों को ही पता नहीं होता था, आपके माध्यम से निकल के उनके बारे में पता भी लगा। और यही जब प्रतिभाएं बाहर आती हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बहुत बहुत बधाई कार्यक्रम के लिए, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो भी अलग अलग विधा में जिनका सम्मान हुआ उन सबको बधाई शुभकामनाएं। और इस तरह का सम्मान जो अपने फील्ड के एक्सपर्टाइज हैं हमेशा होते रहना चाहिए। और दखल न्यूज़ ने एक नई परंपरा शुरू की है, निश्चित तौर पर उनका हम आभार मानते हैं। दखल प्राइड अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच के अधिकारी वी मधु कुमार से। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। 2004 बैच के IPS भोपाल के DIG का सम्मान उनके अधीनस्थ अधिकारी निश्चल झारिया ने ग्रहण किया और इरशाद वली की कार्यशैली पर प्रकाश डाला। इरशाद वली वो शख्सियत हैं, कानून व्यवस्था का पूरा काम जो है भोपाल शहर का जिनके कंधे पर है, और उनके जितना कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, मेहनती अधिकारी भोपाल शहर को मिला, ये भोपाल शहर का सौभाग्य। इस अवसर पर भोपाल के कलेक्टर युवा अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े को भी दखल प्राइड अवार्ड दिया। छत्तीसगढ़ के उभरते राजनेता और सरगुजा राज परिवार से जुड़े आदित्येश्वर शरण सिंह देव को भी दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। उनका सम्मान उनके सहयोगी मिलन जी ने ग्रहण किया। काला पीपल विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और लोकप्रिय युवा नेता कुणाल चौधरी राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किए गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक सड़क के संघर्ष को जनता ने सदन में पहुँचाया और सड़क और सदन के संघर्ष को पहचानते हुए दखल न्यूज़ ने एक अवार्ड दिया। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब भी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि दखल न्यूज़ एक जो सच का आईना दिखाने के लिए जाना जाता है और लगातार प्रदेश की पत्रकारिता में एक बेहतर न्यूज़ चैनल के रूप में जाना जाता है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार से एक अवार्ड। देश की पत्रकारिता जगत के चर्चित हस्ताक्षर शिव अनुराग पटेरिया को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, हर सम्मान आपको एक जवाबदारी और देता है कि अब तक आपने जो किया बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ अलग करके दिखाइएगा। ये आपका एप्रिसिएशन भी है और एक आपके ऊपर दायित्व भी है। तो मुझे लगता है ये दायित्व ज्यादा है और जब आप सम्मानित होते हैं तो समाज आपको एक्नॉलेज करता है। दखल ने आपको एक्नॉलेज किया, दखल एक माध्यम है लेकिन समाज ने आपको एक्नॉलेज किया। और जब आप एक्नॉलेज होते हैं तो आपकी जवाबदारी और गुरुतर हो जाती है, आपको काम करने का जज्बा मिलता है और जोश भी मिलता है। महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा लिखने वाली शिप्रा में अमृत और बोरा समाज का सफरनामा जैसी चर्चित किताबों की रचयिता पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी को उत्कृष्ट पत्रकारिता और सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज़ के दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। रावण एक अपराजेय योद्धा किताब के लेखक और रावण की अनकही कथा के कारण चर्चाओं में आए युवा पत्रकार लेखक शैलेंद्र तिवारी को उत्कृष्ट पत्रकारिता और लेखन के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। राम प्रकृति हैं और रावण जीवन है, और यही मेरी पूरी किताब का प्रीफेस की पहली लाइन ही यही है कि राम प्रकृति हैं, अगर प्रकृति होगी तभी जीवन होगा और जब जीवन होगा तभी प्रकृति होगी। यानी अगर रावण है तो राम भी है और राम है तो रावण भी होंगे, और दोनों पूरक हैं, इनको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं, तभी आप दोनों को समझ सकते हैं। पत्रकारों के सम्मान की श्रेणी में दैनिक भास्कर में लगातार 500 से ज्यादा क्राइम की खबरें करने वाले विशाल त्रिपाठी को भी दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। प्रदेश की युवा पत्रकार IND24 न्यूज चैनल के फाउंडर और प्रबंध निदेशक नवीन पुरोहित को भी दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर नवीन पुरोहित ने भी अपने मन की बात सबके सामने रखी। अपन ब्रिटेनिया जैसे के बिस्कुट हैं सर, 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। थोड़ा धन भी चाहिए, थोड़ा सम्मान भी चाहिए। अपना सपना मनी मनी नहीं है, अपना सपना हनी मनी है, लेकिन हनी ट्रैप के जरिए भी नहीं। मध्य प्रदेश के जाने माने चिकित्सक, भोपाल के सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर
डॉक्टर सुबोध वाशनी का मानना है कि सबसे ज्यादा कीमती पुरस्कार तब मिलता है जब मरीज स्वस्थ और खुश होकर अस्पताल से घर जाता है। डॉक्टर सुबोध वाशनी के चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा एक जाने माने नाड़ी वैद्य हैं जो हर मर्ज को नाड़ी पकड़ते ही जान जाते हैं। आप गरीबों और असहाय मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। उत्कृष्ट चिकित्सीय सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए आपको भी दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। डेंटिस्ट एंड स्किन केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिजीत पांडे मेक ओवर कैस्मोडेंटल के सीईओ और संस्थापक हैं। आप खराब से खराब चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। आप दंत चिकित्सा के साथ साथ कॉस्मेटोलॉजी लेजर विशेषज्ञ भी हैं। उत्कृष्ट सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए आपको भी दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप अग्रवाल को भी 2020 का दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। समारोह के मंच पर डॉक्टर्स के अलग अलग रंग भी सामने आए। जिसको ढूंढ रहे हो तुम उसको बाहर मत ढूंढो, मन के अंदर ढूंढो, प्रीतम प्यारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सम्मान की श्रृंखला में कई रोचक पड़ाव भी आए जहां राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले एक दूसरे का सम्मान करते नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान से ग्रेजुएट और प्रसारण पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री रजनीश अग्रवाल को उत्कृष्ट राजनीति और सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, दखल नेट का, अनुराग जी का, सैफ अली जी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। निश्चित तौर पर जब कोई समाचार संस्थान किसी प्रवक्ता को सम्मानित करे तो गौरव का अनुभव तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां इस नाते बढ़ जाती हैं क्योंकि प्रवक्ता के लिए तो समाचार संस्थान और दखल न्यूज़ जैसा जो आज के डिजिटल युग, मॉडर्न युग में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ में प्रसार करने वाला दखल नेट, वो एक माध्यम होता है जनता के पास में, जनता के बीच में आपकी बात पहुँचाने वाला, वो आपको सम्मानित करे तो निश्चित तौर पर गौरव की अनुभूति है। दखल नेट यूं ही ऐसे ही समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर जाति पंथ मजहब के बीच में अपना दखल देता रहे। दखल न्यूज़ का साहित्य जगत में भी पर्याप्त दखल है, इसलिए दखल प्राइड अवार्ड के मंच पर साहित्य चर्चा भी हुई। बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के सचिव और निदेशक श्री महेश सक्सेना को सम्मान दिया गया तो सभागार तालियों से गूंज गया। ऐसे में देश प्रेम के जज्बे से भरे हुए बुंदेलखंड इलाके के युवा कवि सुमित ओरछा को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। कवि सुमित की कविताओं ने उपस्थित जनों को जोश से भर दिया। प्रश्न अभी तक दबे हुए जो उनको खोल रहा हूँ, जन्मभूमि के स्वाभिमान की भाषा बोल रहा हूँ, छत्रसाल के बाहुबल की शक्ति बोल रहा हूँ, रानी कुंवर गणेशी की मैं भक्ति बोल रहा हूँ, संसद में संकट में भी समाधान की वाणी बोल रहा हूँ, मुझे गौर से सुनना, मैं राजधानी बोल रहा हूँ। राजधानी मतलब ओरछा की मैं बात करता हूँ। मुझे गौर से सुनना, मैं राजधानी बोल रहा हूँ, बलिदानों की अमर प्रथा बलिदानी बोल रहा हूँ, युगों युगों की शाश्वत अमर कहानी बोल रहा हूँ, स्वाभिमान के मानदंड का मानी बोल रहा हूँ, वीर धरा बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूँ। दखल प्राइड अवार्ड के इंद्रधनुषी मंच से कौन बच पाया? क्या व्यवसायी, क्या उद्योगपति, क्या शिक्षाविद और क्या समाज सेवी, जिसने लीक से हट के कार्य किया वह सदैव अभिनंदन का पात्र होता है। और ऐसे ही लोगों से सजी शाम थी दखल प्राइड अवार्ड की। श्यामला हिल्स पर दखल प्राइड अवार्ड सेरेमनी अपने खुमार पर थी। दखल के मंच से कौन छूट पाता? तमाम लोगों की अदालत में आवाज बनने वाले अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव को उत्कृष्ट कानूनी सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। भोपाल में जन्मे युवा व्यवसायी मधुरम ग्रुप के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता को उत्कृष्ट व्यवसाय और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए सम्मानित किया गया। दखल प्राइड अवार्ड की पहली जो हमारी सेरेमनी है, इसको ये अवार्ड मतलब मध्य प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। दखल प्राइड अवार्ड की जो शुरुआत हमारे अनुराग उपाध्याय जी और सैफ अली गुप्ता जी ने जो की है, ये बड़ा अविस्मरणीय है और ये परंपरा जो चलती रहेगी, इसमें नए नए लोगों को मौका मिलता रहेगा और अलग अलग हस्तियों को, जैसे कि व्यवसायिक और अलग अलग जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबको मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा है, प्रोत्साहित होते हैं लोग और इसी तरह के अवार्ड लोगों को मिलते रहना चाहिए। अच्छा जो काम कर रहे हैं उनको अवार्ड मिलने से और प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ते हैं लोग।
सुशील अग्रवाल वैसे तो व्यावसायिक गलियारों और मीडिया का एक चर्चित नाम है, लेकिन इससे इतर उनकी छवि एक समाज सेवी की है। व्यावसायिक गतिविधियों में परिश्रम से कमाए गए धन का एक हिस्सा आप सामाजिक कार्यों के लिए सदैव अलग रखते हैं। निर्धन और जरूरतमंद बच्चियों की शिक्षा का मसला हो या फिर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करने का, आप ऐसे कार्यों के लिए सदैव सबका सहयोग करते नजर आते हैं। उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज ने सुशील अग्रवाल को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा। मैं सर्वप्रथम दखल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अनुराग जी ने, शेफाली जी ने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। जहाँ तक बात दखल न्यूज़ की है, मैं अनुराग से तकरीबन 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरह के अनुराग जी पत्रकार हैं, उस तरह के पत्रकार शायद बड़े बिरले पत्रकार होते हैं, जो अपनी बात सीधी सीधी रखते हैं, वो किसी का डर नहीं रखते, वो सरकार के पक्ष में भी बोलते हैं, सरकार के विपक्ष में भी बोलते हैं। तो मैं अनुराग जी को उनकी पत्रकारिता के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ। और दखल न्यूज़ अनुराग जी के और शेफाली जी के मार्गदर्शन में अच्छा काम करता रहे और बहुत आगे बढ़ता रहे, बहुत तरक्की करे, इस मेरी शुभकामना है। LNCT यूनिवर्सिटी के सचिव डॉक्टर अनुपम चौकसे ने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए साहसिक कदम उठाने में कभी कोई संकोच नहीं किया। आपके कार्य करने की शैली आपको दूसरों से अलग करती है। आपके विश्वविद्यालय से पढ़े छात्रों ने देश और विदेश में प्रदेश का नाम रोशन किया। LNCT यूनिवर्सिटी का नाम आज पूरे देश में जाना जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दखल न्यूज ने आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया। न्यूज़ का प्राइड अवार्ड था और बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप को ने अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड दिया। और जो भी सम्मानित सदस्य थे आज, जिन्हें अलग अलग विभागों से थे, उनको दखल न्यूज़ ने सम्मानित किया है, उसके लिए दखल न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर गौरव तिवारी युवाओं में एक लोकप्रिय नाम है। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। आप मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। उनका यह सम्मान विशाल गुप्ता ने ग्रहण किया। गौरव तिवारी जी एक बहुत यंग और डायनामिक पर्सन है और इतनी कम उम्र में उन्होंने मानसरोवर ग्रुप में बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक उनका बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज, मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज, मानसरोवर स्कूल, अब मिस्टिक अर्थ करके एक नया कंपनी भी ला रहे हैं। वो ऑल द टाइम, वो पूरे टाइम लगे रहते हैं कि कैसे कैसे करके समाज को कुछ भी बेहतर दिया जाए। चित्रांश लाइफ स्टाइल के MD अभिराज सक्सेना BE की पढ़ाई के बाद रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी में पैर पसारे और कम उम्र में बिल्डर बनने का गौरव प्राप्त किया। आप हमेशा नए प्रयोग करते रहते हैं। दखल न्यूज़ के सभी दर्शकों का और अनुराग जी का, सैफाली जी का एवं समस्त दखल न्यूज़ के सारे स्टाफ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस मुकाम के लिए, बिल्डर के कार्य, अच्छे कार्य के लिए मुझे आज आपके द्वारा सम्मानित किया गया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि उच्च क्वालिटी में, सस्ते से सस्ते, अच्छे से अच्छे मकान मैं अधिक से अधिक जनसंख्या के लिए उपलब्ध करा सकूं और पूरे प्रदेश में चित्रांश लाइफस्टाइल आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ाए। धन्यवाद। विकास पटेल माइडस एकेडमी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2010 में एक छोटे से कमरे से माइडस इंग्लिश क्लासेस शुरू की। आपका ध्येय छात्रों के मन से इंग्लिश के प्रति डर को दूर करना है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास पटेल के कार्यों और आपके सामाजिक योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। देखिए, एक तो आप कोई भी काम करें और अगर उस काम का आपको प्रोत्साहन मिलता है तो डेफिनेटली आपको खुशी होती है और आगे बढ़ने की इच्छा और जागृत हो जाती है। और दखल न्यूज़ को मैं इसके लिए बिल्कुल तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उन्होंने मेरे काम के, मेरे प्रयास को पहचाना और उस काम के लिए मुझे सम्मानित किया, उसके लिए धन्यवाद। युवा व्यवसायी सौरभ अग्रवाल का पढ़ाई पूरी करने के बाद संघर्ष शुरू हुआ। आपका ये सफर सागर से मुंबई होकर भोपाल तक आया और एक व्यवसायी के रूप में आपको स्थापित किया। अग्रवाल समाज के उत्थान के लिए आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। आपकी धारणा है, सब अपने अपने समाज की सेवा करते रहें तो हम बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। उत्कृष्ट व्यावसायिक सोच और सामाजिक योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है और बहुत मनोउत्साह बढ़ा है इससे हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने की
कार्य मिला है और अवार्ड ऐसा होना चाहिए। श्रीमती माधुरी मिश्रा समाज सेवी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। बड़ा इसलिए कि आपने अपने घर का नाम ही अपना घर रख दिया है। समाज में जिन्हें बेसहारा कहा जाता है उनका सहारा बनती हैं माधुरी मिश्रा जी। समाज सेवा की मिसाल बन चुकी माधुरी जी को सर्वोत्तम सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद दूंगी कि हमारे जैसे छोटे मोटे काम करने वालों को भी एक स्थान समाज में देने का काम जो उन्होंने किया है, क्योंकि काम बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर आप लोग ऐसे न्यूज़ चैनलों की नज़र हम लोग तक नहीं जाएगी तो समाज में हम कैसे पता कर पाएंगे कि समाज में कौन किस स्तर पर कार्य कर रहा है। तो इसके लिए मैं इनको बहुत सारा साधुवाद देती हूँ कि हमारे जैसे अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच देने का इन्होंने जो काम किया। संस्कार वैली स्कूल की विद्यार्थी अरियांशी शुक्ला एक बेस्ट स्टूडेंट है। ये ऑलराउंडर बिटिया हैं, ये पढ़ाई में तो टॉपर हैं ही, इसके अलावा 3 बार प्रदेश स्तर पर और 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी हैं। ये जितना अच्छा जिम्नास्टिक करती हैं उतनी ही इन्हें कथक नृत्य में महारत हासिल है। असीम संभावना से भरी अरियांशी को कलात्मक योगदान के लिए दखल प्राइड से सम्मानित किया गया। प्रोफेशनल सिंगर अरविंद दयाल शर्मा वैसे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपके ताऊ जी स्वर्गीय श्री शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति रहे हैं। अरविंद दयाल शर्मा खुद तो गाते हैं, साथ ही उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। आपके गायन के प्रति समर्पण और उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज ने आपको सम्मानित किया। जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। कोरियोग्राफर आशीष शर्मा ने बचपन से डांस और म्यूजिक से प्रेम के चलते बिना किसी ट्रेनिंग के डांस शुरू किया। आप गॉड गिफ्ट में मिली कला को निखारते चले गए और ब्लाइंडर गन्स डांस म्यूजिक क्लास के संस्थापक बने। आपकी संस्था से जुड़कर अब तक हजारों बच्चे डांस में पारंगत हो चुके हैं। नृत्य संगीत के प्रति आपके समर्पण, निष्ठा और सामाजिक योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। सजनी है दूर सजन से, बेटे हैं दूर वतन से, खून अपना बहा देने को, बांधे है कफन को सर से कयामत सा, खून से तर दामन है कयामत सा आलम है। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। देश में हर खुशी और गम के मौके पर LIC सबके साथ खड़ा नजर आता है। भारतीय जीवन बीमा निगम को उत्कृष्ट सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज ने LIC मध्य क्षेत्र को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक है, जिसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर एक पारसी बैंकर सर सोराबजी पोच खानवाला ने 1911 में की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेंट्रल बैंक को वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है, क्योंकि 28 में से 27 राज्यों तथा 7 में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दखल न्यूज ने देश के विकास में उसके योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया। बैंक के अधिकारी संजय लांबा ने ग्रहण किया। दखल प्राइड न्यूज द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे अवार्ड इन्होंने चूज किए हैं। जो समाज सेवी हैं, जो कला के क्षेत्र में पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकिंग है, तो सभी को इन्होंने सम्मानित किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है, क्योंकि सभी, कोई कवि आया है उसने अपनी कविता सुनाई है, कोई गायक आया है उसने गाना सुनाया, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम ये रहा है। कांग्रेस में भीतर ही भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के मसलों पर सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं और अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनसेवक हूं, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म है। सिंधिया की इस बात के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ और सिंधिया के बीच की तल्खी एक बार फिर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार से कांग्रेस के ही दूसरे गुट नाखुश हैं।
कमलनाथ की सरकार को बने एक साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन इस दौरान सिवाय कागजी खानापूर्ति के कुछ नहीं हुआ है। यही वजह कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सड़क पर उतरने की बात कहना पड़ी। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा जिसे सड़क पर उतरना हो उतर जाएं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं जनसेवक हूँ, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म है। जिन मुद्दों को वचन पत्र में लिखा है उन्हें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। मैं जनसेवक हूँ, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है। और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है, एक साल हुआ है, और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा, अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पर उतरना ही होगा। धान की खरीद न होने से नाराज किसानों के आंदोलन को दखल न्यूज पर दिखाने का असर साफ नजर आया और सरकार को पीड़ित किसानों का पक्ष सुनना पड़ा। धान खरीदी के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। रीवा के जवा से दुर्गेश यादव की रिपोर्ट। धान उपार्जन केंद्र में किसानों की धान न खरीदे जाने से किसान हताश थे। शासकीय धान उपार्जन केंद्र रिमारी में रखी सैकड़ों किसानों की धान की खरीद न होने की वजह से किसान बेहद परेशान थे। मसले को लेकर किसान और समाज सेवी मनोज शुक्ला ने अमरण अनशन शुरू किया। इस मसले को दखल न्यूज़ ने पूरी गंभीरता से सरकार के सामने रखा। किसानों की धान देरी से खरीदे जाने, असमय बारिश होते रहने से एवं वारदाने की कमी जैसे कारणों से किसानों की धान की खरीद निर्धारित समय में नहीं की गई, जिससे अकेले रिमारी खरीदी केंद्र में ही लगभग 500 किसान अपनी धान नहीं तुलवा पाए। अब किसानों का आंदोलन रंग लाया। मेरी हालत जैसे नाजुक होने लगी, मेरे सहयोगी और इस क्षेत्र के एक समाज सेवी कार्यकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत खारा चंद्रशेखर यादव जी 15 तारीख से अनशन पर आ गए। आखिरकार सरकार ने सुना, पोर्टल खोला, आदेश जारी किया, लेकिन इस पूरे लड़ाई में जिन्होंने सर्वाधिक मेरा साथ दिया, इन पीड़ित किसानों की आवाज़ जिन्होंने उठाई, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं इस विजय की, और मैं दखल न्यूज़ के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि दखल न्यूज़ ने लगातार इस पीड़ा को जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। किसानों द्वारा किए जा रहे अमरण अनशन की कवरेज भी दखल न्यूज़ ने प्रसारित की थी, जिसका अब असर हुआ और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कलेक्टर रीवा को समर्थन मूल्य पर शेष रहे किसानों से धान उपार्जन करने के लिए रीवा जिले के 3 खरीदी केंद्र परसिया रिमारी अतरेला चक 2 के किसानों की धान खरीदे जाने के लिए कहा है। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर हल्ला बोला है और कहा सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी जन आंदोलन चलाएगी। खजुराहो से बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वह बखूबी कार्यकर्ताओं के दम पर उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जन आंदोलन चलाया जाएगा। बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ की राज में सिर्फ तबादले हो रहे हैं और बाकी सारे काम ठप पड़ गए हैं। इस भूमि को, इस संगठन को तैयार किया है, मैं तो उसका एक छोटा सा निमित्त मात्र कार्यकर्ता के नाते से आज मैं यहाँ पर, मुझे जिम्मेदारी दी है इन सब के कामों को आगे बढ़ाना और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इतने व्यापक स्वरूप जो खड़ा किया है उसमें हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं, प्रयास मेरा लगातार रहेगा। यही मेरी आज मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से, मैं तो सब कार्यकर्ताओं को अपील भी करता हूं और हम सब मिलकर के संगठन को और ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करें। रीवा के तरहटी मोहल्ले में अचानक घरेलू गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली टीआई ने पंचनामा दर्ज कर शव पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिए। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर गैस सिलेंडर में आग कैसे भड़की और उसमें विस्फोट कैसे हुआ। तरहटी इलाके में खटीक परिवार बीती रात खाना खाकर घर में सो रहा था, अचानक उनके घर से विस्फोट होने की आवाज आई और आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई देने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना में घर में मौजूद चार लोगों की आग में झुलस कर मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। सीएसपी शिवेंद्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। 2:30 बजे करीब फोन आया था, कंट्रोल रूम से पॉइंट चला था कि एक गैस सिलेंडर फटने की सूचना है जिसमें आगजनी हो गई और परिवार के कुछ लोग अंदर फंसे हैं। इस सूचना पे पूरी फोर्स एक्टिव होते हुए कंट्रोल रूम से जितनी बीट थी सारी बीट आ गई थी। दमकल की गाड़ियाँ कुछ यहाँ पे आए थे, कुछ अपने मोहल्ले वालों ने आग बुझाई। हम लोग जाकर अंदर देखे तो अभी उसमें चार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक ही परिवार के ऐसा पता चल रहा है। जो मृतक है उसका नाम रहीस खटीक है, उसकी पत्नी है गुड़िया खटीक और दो बच्चे हैं उनका, दोनों का नाम अपने को भी पता क्लियर नहीं। अभी प्रथम दृष्टया कारण ये लग रहा है कि गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी और किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो तो शॉर्ट सर्किट से वो आग लग गई। लोग आए जैसे 2 बजे के टाइम आए हैं तो इसमें जैसे बम मतलब आग ही लगी थी। हम लोग देखे फिर मोहल्ला के आगे फाटक ये खुला था सामने, हम लोग जब आए तो आग बुझाए। बाकी आपस में उनका चार परिवार, अब बाकी सामने के परिवार जो रहे थे हॉस्पिटल में रहे, बच्ची के लड़का बच्चा था, बाकी चार जन जो अंदर थे बाकी अपन लोग नहीं देखे। बाकी इतने है कि हम लोग आए तो आग बुझाए। सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र में आमने सामने बाइक व बस की जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार बस और बाइक की टक्कर ने 2 लोगों की जान ले ली। इससे एक दिन पूर्व ही अमलिया घाटी में दुर्घटना होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लगातार ये दूसरी घटना है। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार होने के कारण बाइक सवार व दुबे टेवर्स की बस में जोरदार टक्कर हुई जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चितरंगी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से महंगाई को रोकने और रसोई गैस के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। रसोई गैस पर 150 रुपए की बढ़ोतरी के खिलाफ छतरपुर में महिला कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय छत्रसाल चौक पर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी वापस करने की मांग को लेकर पीएम मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। महिला कांग्रेस का कहना है कि यदि केंद्र ने रसोई गैस पर मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लिया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जिस तरह से गैस सिलेंडरों के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, मोदी सरकार ये नहीं समझती है कि महिलाओं की सबसे प्रायोरिटी की जरूरत है उनका खाना, और यदि इस तरह से वो रेट बढ़ाते जाएंगे, अभी आपने हालांकि तुरंत देखा होगा कि 150 रुपए के समथिंग इन्होंने फिर से बढ़ा दिया है, क्या मतलब है इनका? ये एक तरफ कहते हैं कि हम उज्ज्वला का लाभ दे रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को पूरी तरह जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसी तत्व को लेके आज मोदी सरकार का पुतला जलाया है। संत नगर के वार्ड 5 में सड़क निर्माण का काम आरम्भ हुआ तो स्थानीय लोगों ने नेताओं का सम्मान किया। पिछले लंबे अरसे से सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 5 के बोरबन गांव में मंगल भवन के सामने तथा आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक स्कूल के सामने सीसी रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन स्थानीय पार्षद दीपा वासवानी, मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश इसरानी तथा संस्कार स्कूल के सचिव बसंत चेलानी द्वारा किया गया। इसके बाद तत्काल निर्माण कार्य आरम्भ हो गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता नरेश वासवानी, शीला शमनानी, सुमित आहूजा मौजूद रहे। स्थानीय निवासियों ने इस मौके पर नेताओं का सम्मान किया। आज वार्ड नंबर 5 के बोरबंद के क्षेत्र में जो स्कूल, जहाँ पे स्कूल और आंगनवाड़ी है, यहाँ के बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे आंगनवाड़ी और स्कूल में आने के लिए। यहाँ के रहवासियों के आग्रह पे हम ये रोड का भूमि पूजन करने के लिए, बहुत ही कीचड़ और परेशानी थी यहाँ के रहवासियों को, तो इसे हमने अब ये रोड का प्रस्ताव दिया, उसका ये उनके आग्रह पे इस रोड का प्रस्ताव दिया और उसको आज हमारे महापौर जी ने उसको पास कर दिया है। हम बहुत ही खुशी की बात है कि संत नगर का विकास निरंतर हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद शहीदों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और भारत माता का पूजन किया गया। परासिया में युवा क्रांति ग्रुप ने पुलवामा हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चांदा मीटा नगर के युवा क्रांति ग्रुप ने भारत माता का पूजन किया और मोमबत्ती जलाकर पुलवामा में हुए शहीदों के नाम श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। इस श्रद्धांजलि में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। द्वारा एवं युवा क्रांति के द्वारा पुलवामा अटैक जो 2019 में 14 फरवरी के दिन जो हुआ था, उन्हीं की याद में आज चाना मेटा के युवाओं के द्वारा
वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसमें समस्त युवा साथी इस कार्यक्रम में सफल हुए और आदरणीय हमारे गगन बिगिया जी, राकेश शर्मा जी और सभी युवा साथी इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए, इनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। SBI ग्रुप ने भोपाल में SBI ग्रीन मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस मौके पर साइबर सेल के DG राजेंद्र कुमार, SBI भोपाल सर्कल के CGM राजेश कुमार और पर्वतारोही मेघा व भावना डेहरिया विशेष तौर पर मौजूद रहीं। इस दौड़ में लगभग 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर में स्वच्छता के साथ साथ हरा भरा रखना रहा। भोपाल में देश के सबसे बड़ी बैंक SBI ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। शहर को स्वच्छ और ग्रीन रखने के लिए लगभग 4000 लोग इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। 5 किलोमीटर की इस मैराथन दौड़ में शामिल धावकों ने वृक्षारोपण किया ताकि शहर को हरा भरा रखा जा सके। मैराथन तात्या टोपे नगर स्टेडियम से शुरू की गई, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागियों के साथ बैंक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। दौड़ में शामिल हुए सभी धावकों को जैविक टी शर्ट देकर आयोजन में गो ग्रीन का संदेश दिया गया। मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर सहित कई प्रदेशों से प्रतिभागी शामिल हुए। इस मौके पर SBI के CGM ने लोगों को पर्यावरण बचाने के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।